असलाम व्यूअर्स, अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत सर के, आमीन सुमा आमीन। आज मैं जो आपको रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो मैं करूंगी चिकन करेले की। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा किलो चिकन लिया है, प्याज नहीं थी जिन्हें मैंने काट के हल्का सा लाइट ब्राउन कर लिया, और करेलों को मैंने काट के नमक लगा के धो के इन्हें भी लाइट सा फ्राई कर लिया। बाकी की चीज़ें जो इसमें जाएंगी वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने तीन टमाटर लिए, इन्हें भी मैंने काट लिया, और साथ में जो मसाले जाएंगे वो है एक चम्मच मैंने नमक लिया, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी लिया, और डेढ़ चम्मच मैंने मिर्चें लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूंगी, अदरक लहसुन के साथ उसको हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज और अदरक के साथ चिकन हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी, सारे मसाले डाले, मसाले डाल के मैं इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी, टमाटर डाल के इनको गलने के लिए रख दूँगी 10 मिनट के लिए दम पे। करेले और प्याज फ्राई करके रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच कलौंजी डाल दूँगी, साथ ही मैं इसमें एक चम्मच अचार मसाला डाल दूँगी। चिकन करेले रेडी हो गए, अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। चिकन करेले रेडी हो गए, आप इनको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये करेले चिकन कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़।